तो गाइस आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए और मैं अपने लिए भी ब्रेम्बो मास्टर सिलेंडर, ये मैं अपने ड्यूक में इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये ड्यूक 250 का है और ये रहा हमारा मास्टर सिलेंडर और इसके साथ में ये आया है और ये क्लच वाला है। क्लच लीवर है कुछ ऐसा, आप देख सकते हैं पूरा ब्रेम्बो का है ये। इसकी ब्रेम्बो की प्रेप बैजिंग मतलब बढ़िया लग रहा है। अब देखना ये है कि क्या अपग्रेड आता है इसमें, ये कुछ टूल्स और ये लगेगा हमारा इस जगह पर ये वाला और ये भी हट जाएगा, ये लग जाएगा एज इट इज़ यहाँ पर। चल तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने गाड़ी को तो पेडॉक पे लगा लिया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन अभी तक करवा चुका हूँ। ये हेडलाइट है, ये मैंने कुछ 1000 रुपीज़ की मंगाई थी। ये अपर, ये लोअर, ये अपर, ये लोअर बहुत अच्छी लगती है वैसे ये, इसलिए मैंने मंगवा ली, मैंने कहा लगवा लेते हैं इसको। और दूसरा अपन ने इसमें एग्जॉस्ट लगवाया है, इसको कटवा के लगवाया है क्योंकि फिर उसमें नहीं तो ये प्लेट नहीं लग पाती, इसलिए मैंने इसको कटवा दिया ये वाले पाइप को। मतलब 600-700 का आ रहा था पर मेरे को प्लेट चाहिए थी इसीलिए मैंने ये किया। तो अपन इसकी इंस्टॉलिंग चालू करते हैं, इंस्टॉलेशन ठीक है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताता हूँ खोलना क्या क्या है। ये इसका आखिरी का यहाँ से खुल जाएगा, ग्रिप उतरेगी फिर ये निकलेगा, उसके बाद ये निकल जाएगा आसानी से। इस साइड का भी सेम है, सही है, ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये भी निकलेगा, उसके बाद ये रिंग यहाँ से ऐसे निकलेगी। ये तो ऊपर से ही निकल जाता पर ये इसको निकालने के लिए हमको खोलना ही पड़ेगा। तो चलो मैं खोलना चालू करता हूँ जब तक। तो दोस्तों मैंने सारी मेजर चीज़ें खोल ली हैं, जैसे कि ये बाहर आ चुका है। उसके बाद इसमें एक क्लच सेंसर लगता है, आपको इसको भी यहाँ से डिसअटैच करना है, ये अलग हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये तो इसको भी डिसअटैच करना है और ये आ जाएगा बाहर यहाँ से। तो दोस्तों हमारा लेफ्ट साइड का प्रॉपर वर्क कर रहा, बढ़िया से लग गया है। और बस अब इसकी ये वायर इसके अंदर है, इसका एंड इस वायर का एंड इसके अंदर है और उसको कनेक्ट करना है। ये मैं थोड़ी देर से करूँगा, पहले इधर का लगाते हैं अपन। तो गाइस देखो हमारा फाइनली मास्टर सिलेंडर इंस्टॉल हो चुका है बढ़िया से। ये इसकी पाइप जा रही, इसकी बाहर पाइप आ रही और इसको भी हमने यहाँ पर इससे कनेक्ट कर दिया क्लच वाले से। क्लच भी एक नंबर हो गया, ठीक ही क्वालिटी है, मतलब ये ओरिजिनल तो है नहीं पर ठीक है। चलिए अब मैं पैक करता हूँ इसको।